शमशाबाद मंडी अधिनियम बिल के विरोध में शमशाबाद कृषि मंडी समिति के कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मंडी भाव साधक को ज्ञापन देकर मंडी अधिनियम बदलाव का विरोध कर मंडी अधिनियम बदलाव की मांग की है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा मंडी अधिनियम मॉडल 1 में बदलाव कर निजी मंडी को मंडी कर से मुक्त रखा है, जिससे मंडी कर्मचारियों को वेतन भत्ते के लिए राशि कहां से प्राप्त होगी, जिससे मंडी कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। जिसके विरोध में पूर्व में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने के बाद सरकार द्वारा आश्वासन के बाद भी बदलाव नहीं किया गया है, जिसके विरोध में ज्ञापन देकर कर्मचारियों 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाकर मंडी का काम बंद रहेगा यह निर्णय किया है। केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एक्ट जो लागू किया गया है उससे मंडी समितियों की आय बिल्कुल कम हो गई है, जिससे मंडी कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस कारण कल दिनांक 25/9/2020 से मध्य प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शमशाबाद मंडी कृषि उपज मंडी के समस्त कर्मचारी कल दिनांक 25/9/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूर्व में दिनांक 3/9/20 से हड़ताल की गई थी, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने से हड़ताल स्थगित की गई और 15 दिन का समय जो दिया था उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण से पुनः दिनांक कल 25/9/2020 से मंडी समिति कर्मचारी शमशाबाद के समस्त अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। आज मंडी के कर्मचारियों के द्वारा मॉडल एक्ट के विरोध को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इनका कहना है अपने ज्ञापन में कि यदि मॉडल एक्ट लागू होता है तो मंडी की आय कम हो जाएगी और इसके कारण कर्मचारियों को वेतन भत्ते दिया जाना भी संभव नहीं होगा। इस मांग को लेकर इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया।